अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नؤمن बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इतना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम के अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर बुलाया और घर बुलाकर हमें दीन की बात सुनने की तौफीक अता फरमाई। बहुत सारे अहबाब हैं कि जो मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाए किसी न किसी वजह से, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में बुला लिया। ये भी उसकी तरफ से सआदत है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का एक फजल व करम है। खुतबे मसनूना में जो आयत शरीफा तिलावत की गई, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अय्याम का तज़किरा फ़रमाता है, महीनों का तज़किरा फ़रमाता है, दुनिया के पैदा किए जाने का तज़किरा फ़रमाता है, ज़मीन व आसमान के पैदा किए जाने का तज़किरा उस आयत के अंदर है। और इसी तरह 12 महीनों का तज़किरा है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ साल के 12 महीने हैं, जिसको अल्लाह ने फरमाया इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इतना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 12 महीने हैं। और ये 12 महीने कौन कौन से हैं? कुरान मजीद से इसका सबूत नहीं है कि कौन सा महीना पहला है और कौन सा महीना आखिरी है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में इस हिजरी का आगाज़ हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब फ़ैल रखी गई थी, उसके अंदर शमसी तारीख़ लिखी हुई थी और क़मरी तारीख़ का कोई नामो निशान नहीं था। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जहन में ये बात आई, आपने फरमाया कि इस्लामी महीना भी होना चाहिए। जैसे सरकारी महीना शमसी महीना जनवरी से शुरू होता है, इसी तरह इस्लामी भी कोई महीना हो, उसका आगाज़ होना चाहिए। तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को आपने जमा किया और जमा कर कर सबसे राय ली और ये पूछा कि इस्लामी महीना कौन सा होना चाहिए। मुख्तलिफ़ सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह तआला अलैहिम की राय आई और किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत जिस महीने में हुई है, उस महीने को इस्लामी पहला महीना करार दिया जाए। बाज़ ने, बहरहाल जिस सहाबी के जहन में जो बात थी, जो ये समझता था कि इस महीने के अंदर बड़ा अज़ीमुश्शान वाक़या रोनुमा हुआ है, हर सहाबी अपनी अपनी विसात के एतबार से, अपनी समझ के एतबार से और अपने जहन के एतबार से एक एक राय रखते रहे। ग़ालिबन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह राय दी कि नहीं, हिजरत जब से हुई है उस महीने को इस्लामी पहला महीना करार दे दिया जाए। चूँकि इस्लाम की इशाअत और इस्लाम जो फैला है वो हिजरत के बाद से फैला है। तमाम राय के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बात पर फैसला फरमा दिया कि हिजरत ही के महीने को साल का पहला महीना करार दिया जाएगा और वही ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। और ये हमारा महीना जो चल रहा है वो भी मुहर्रमुल हराम का है। और हम लिखते हैं जिस तरह ईसवी शमसी तारीख़ के आखिर में जैसे 2022 ईस्वी, इसी तरीक़े से हिजरत के ज़माने के एतबार से 14,044 जो है ये हिजरी कहलाती है। ये उसी तरफ मंसूब है जो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने हिजरत की थी। आपको ये भी बात मालूम है कि हिजरत ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी रही और ये हिजरत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की सुन्नत भी रही। चुनाचे बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं जिन्होंने इस दीन की खातिर और इअलाए कलिमतुल्लाह की खातिर अपने वतन अज़ीज़ को छोड़ा, अपने प्यारे वतन को छोड़ा और छोड़कर जो है दूसरे मकाम पर दूसरी जगह जाकर वहाँ पर भी दावत देते रहे, दीन की तबलीग करते रहे। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने भी हिजरत की। इससे पहले का जो महीना दिलहिज्जा का महीना गुज़रा जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू हम उलमा से सुन चुके हैं कि जिसके अंदर ये बात भी बताई गई थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इस दीन की खातिर अपने घर को छोड़ना पड़ा, इस दीन की खातिर अपने वतन को छोड़ना पड़ा और आपको हिजरत कर कर उसमें अपने मकाम से निकल कर दूसरे मकाम पर जाना पड़ा। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही मामला पेश आया। जब मक्के की ज़मीन तंग होने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मानने वालों के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ होते, आपके ऊपर ऊँट की ओझड़ी को डाल दिया जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जाते, आपके रास्ते के अंदर कांटे बिछाए जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से गुज़रते, आपके ऊपर कचरा डाला जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में होते, खाने काबा में होते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ सताया जाता। आप किसी को नसीहत करते, कुरान मजीद की तिलावत करते, आपको शायर कहा गया, आपको काहिन कहा गया। बहरहाल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को और आपको बेशुमार अंदाज में सताया गया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ एक मौका वो भी आया जबकि शोबे अबी तालिब का मामला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मानने वालों को लोगों ने बायकाट कर दिया जिसकी वजह से आप शोबे अबी तालिब के अंदर 3 साल तक वहाँ पर रहे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर उन्हें खाने को खाना ना दिया जाता, पानी को पानी ना दिया जाता। ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजारते रहे कि तारीख़ के अंदर ये बात मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ये दरख्तों के पत्तों को चबाकर, दरख्तों की छालों को खाकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी इसी दीन की खातिर और इसी ईमान की खातिर। बस सिर्फ जुर्म था तो बस ये जुर्म था कि वो अल्लाह को मानते थे और अल्लाह तबारक व तआला पर उनका ईमान था। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की बुनियाद पर कुछ मुतालबा नहीं किया था कुफ़ार और मुशरिकीन से। और आपने तो फरमा दिया था कि कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अल्लाह, कि ए नबी आप कह दीजिए मैं जो दावत दे रहा हूँ, मैं जो तबलीग कर रहा हूँ, जो मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, जो माबूदान बातिल की परस्तिश के अंदर जो मसरूफ़ हैं उनसे हटाकर मैं माबूद हकीकी की तरफ मैं मुतवज्जे कर रहा रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ कि इससे मुझे कोई उजरत मिलेगी, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा, बस के बस अल्लाह का हुक्म है और मैं जो काम कर रहा हूँ बस मेरे अल्लाह के लिए मैं कर रहा हूँ। फिर भी जो है कौम ना मानती, कौम ना सुनी। शोबे अभी तालिब में एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हफ्ता दो हफ्ते नहीं, बल्कि जो है ना 3 साल तक इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। बच्चे रोते, गिड़गिड़ाते, तड़पते, बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते। और इसी तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन भूखे फाके इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते, ये सिर्फ इसीलिए कि ईमान की खातिर। फिर उसके बाद मामला क्या हुआ कि फिर उसके बाद आमुल हुस्न एक साल वो भी आया जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि हमेशा आपका साथ देने वाली और सबसे पहली वो माई जो कि आपने तसल्ली दी, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पर गए और हमेशा आपका मामूल था, लेकिन एक मरतबा जब पहले वही का मामला आया, हज़रत जिब्राइल आपके पास आए थे और आकर फरमाया था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना लैसा बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं लिखा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को दबाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं इतना परेशान हो गया, इतनी तकलीफ़ मैंने महसूस की है कि जिसका तसव्वुर नहीं कर सकता। फिर इसी तरह फिर वो मामला होता है, उसके बाद जब वही की शिद्दत की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आते हैं और फरमाते हैं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं और फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर दो, मुझे ओढ़ना है और मुझे आराम करना है, मैं ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं हलाक हो जाऊँगा, मैं तबाह हो जाऊँगा। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ ऐसा मामला नहीं हो सकता, आप बेवाओं की खिदमत करने वाले हैं, बच्चों के सरों के ऊपर, यतीम बच्चों के सरों पर आप हाथ फेरने वाले हैं, आपने कभी गलत नहीं कहा, आपने कभी झूठ नहीं कहा, आपका तो मामला ऐसा है कि आपको सादिकुल अमीन कहा जाता है। नबी, ऐसा नहीं हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाये कर दे। बहरहाल ऐसे तमाम मराहिल पेश आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ऐसी तसल्ली देने वाली खातून का इंतकाल हो जाता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा सदमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इसी तरीक़े से फिर वो चचा अबू तालिब, जो कि हमेशा आपका साथ देने वाले, सफ़र में हो या हज़र में हो, इतनी आप के लिए परेशान वो हुआ करते कि यहाँ तक बात मिलती है कि अगर कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में देर से भी आया करते खाना वगैरह खाने के लिए, या किसी भी और दूसरे मामूल के मुताबिक अगर देर हो जाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आप भी परेशान हो जाते। हमेशा आपका साथ देने वाले चचा अबू तालिब, आपका भी इंतकाल हो गया। हर तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि जो साथ देने वाले थे वही इस दुनिया से रुखसत हो गए। बहरहाल ऐसे ऐसे हालात आए, इधर जो है कुफार और मुशरिकीन को और मौका मिल गया कि साथ देने वाला भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। लिहाजा तमाम के तमाम अफराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को सताने में मसरूफ़ होते रहे और तरह तरह के पहाड़ उनके ऊपर जुल्म और सितम के तोड़ते रहे। ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अपनी उम्मत से कि जिसे जाना चाहते हैं हबशा की तरफ हिजरत कर कर चले जाएं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर बहुत सारे अफराद हबशा की तरफ हिजरत कर कर चले गए। उसमें से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी अहलिया मोहतरमा भी शरीक रही कि वो हबशा की तरफ हिजरत करे। फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद फिर ये निदा आई और ये आवाज़ लगाई गई कि फिर जिसे मदीने मुनव्वरा जाना चाहे वो मदीने मुनव्वरा को जा सकते हैं। लिहाजा फिर हबशा वाले फिर मदीने मुनव्वरा को गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने वतन अजीज़ को छोड़कर यहाँ से रुखसत हो गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए इरशाद फरमाई ये बात कि देखो ऐ सरजमीन मक्का, तू मुझे बहुत ज़्यादा महबूब है, आज मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं इस मक्के मुकरमा से तुझे छोड़कर कहीं ना जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर थे, आपने हिजरत फरमा दी। बहरहाल इन वाक़यात के ज़रिए से ये बात मालूम होता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम तकरीबन अपने मुल्क को छोड़कर, अपने कौम को छोड़कर, अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके को जाकर कूच की इस दीन की खातिर। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह का मामला पेश आया कि जब कौम नहीं मानती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नबी, आपको हिजरत करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। इसी से है ये साल कि जो कहा जाता है 1444 हिजरी का मतलब यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीने मुनव्वरा जो आए हैं, इसी बुनियाद पर अब 1444 साल हो चुके हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हिजरत फरमाकर। ये तारीख और ये बातें भी हमें जहन में रखनी चाहिए। आजकल हमारा मामला क्या है, आजकल हमारे छोटे बच्चों से अगर पूछ दें कि भाई क्या है ये सुनाओ, क्रिकेटर के नाम बताओ, तो पूरे जो भी खेलने वाले हैं उनका भी नाम बोलेगा, और जो इंजूट है उनका भी नाम बोलेगा, और जो बैठे हुए हैं किसी के बीमार होने पर जो फर्द आएगा, जो शख्स आएगा, उसका भी नाम कह दिया जाएगा। आज हमारे बच्चे और आज हमारे माशरे का एक अजीब बड़ा अलमिया है, कुफार और मुशरिकीन के नाम, और इसी तरीके से गैर जो कि इस्लाम के दुश्मन जो बागी अफराद हैं, इसी तरीके से इस्लाम को खोखला करने वाली वो चीज़ें जो कि आज फैलाई गई, हर हाथ में जिसे दिया गया है, आज के बच्चे उसे जो परफेक्ट सुना देते हैं, कहानियां भी बता देते हैं, नाम भी बता देते हैं। लेकिन अगर नहीं मालूम तो हिजरत क्यों 44 हिजरी क्यों कहा जाता है ये नहीं बताया जा सकता। इसी तरीके से ये बात भी हमारे बच्चे बता नहीं सकते कि मुहर्रम उल हराम इस्लाम का कौन सा महीना है, ये बात हमारे बच्चे आजकल नहीं बताते। इससे पहले एक नहीं कहना चाहिए मस्जिद में, लेकिन फिर भी इसलिए कहा जा रहा है कि आज हम दीन से कितने दूर हैं, आज हमारे अंदर दीन और इस्लाम की बातें कितनी हमसे दूर हैं। इसलिए जिक्र करना पड़ता है कि एक शख्स जो कि मशहूर अदाकार है, उससे पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर कि इस्लाम का सबसे पहला महीना कौन सा है, बावजूद ये कि वो स्टार होने के, लेकिन वो मुहर्रम उल हराम का महीना बताने से कासिर रहा। क्या ये करेंगे? उलमाए किराम ने फरमाया हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर, इस आयत की रोशनी में उलमाए किराम ने फरमाया है कि चांद की तारीख भी याद रहना हमारे लिए फर्ज़ किफ़ाया है। अगर कोई भी चांद की तारीख याद नहीं रखेगा तो वो गुनाहगार होगा। जैसे नमाज जनाजा का पढ़ना ये फर्ज किफाया है। अगर कोई किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और महल्ले के अंदर अगर कोई भी फर्द नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, नमाज जनाजा नहीं पढ़ने वाला होगा, तो पूरे महल्ले वाले गुनाहगार हो जाएंगे। अगर थोड़े अफराद भी अगर पढ़ लेते हैं तो ये जो है ना फर्ज अदा हो जाता है। इसी तरीके से एतिकाफ का मामला है, महल्ले की मस्जिद के अंदर महल्ले के अफराद को रोज़ा ये एतिकाफ रहना ज़रूरी है। सुन्नत मौक़िदा जो एतिकाफ है, अगर वो शख्स पूरे महल्ले का कोई भी फर्द अगर एतिकाफ में नहीं बैठेगा तो पूरे महल्ले वाले गुनाहगार होंगे। ठीक इसी तरह उलमा ने फरमाया है ये भी मसला ऐसा है कि तारीख का इस्लामी कैलेंडर हमें मालूम होना चाहिए। आज क्या है, गैरों की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि हर चीज़ गैर इस्लामी एतबार से दी जा रही है। हमारी पेंशन मिलती है तो इस्लामी तारीख से नहीं मिलती, हमारे इसी तरीके से स्कूल के अंदर सैलरी मिलती है तो वो भी इसी तरीके से जो है ना अंग्रेजी तारीख के एतबार से, और इसी तरीके से कोई कारोबार है, तिजारत है, कोई कर्जा फेरना है, या इसी तरीके से कोई चीज़ भी खरीदो फरोख्त करना है, और कभी भी मशवरा वगैरह किया जाता है। जब तारीख का तयन किया जाता है तो सरकारी तारीख ही का तयन किया जाता है और उसे ही लिखा जाता है और उसी का एतबार किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जहां पर हम इसकी तरफ तवज्जो देते हैं कि सरकारी तारीख का अहतमाम करते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि हम कमरी तारीख का भी हमें अहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि ये भी वक्त की असल ज़रूरत है। इस वजह से कि दुनिया के अंदर जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात नाजिल किए हैं वो सरकारी एतबार से, तारीख के एतबार से नहीं नाजिल किए, बल्कि जो भी अहकामात हैं वो कमरी तारीख के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाए हैं। चुनांचे यही वजह थी कि लोग कहा करते थे कि चांद से क्या होगा, चांद से फायदा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल हिल्ला, अहे नबी आपसे लोग सवाल करते हैं कि चांद निकलने से और चांद के गुरूब होने से फायदा क्या है। यसअलूनका अनिल हिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये क्या है, ये तुम्हारी मीक़ात को बताने वाला है, ये तुम्हारे औकात को बताने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, हज का ज़माना, हुज्जाज किराम आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज की बार बार जियारत नसीब फरमाए और हरमैन शरीफैन की बार बार हमें जियारत नसीब फरमाए और हज करना हमारे लिए आसान फरमाए। हम देखें कि अरफात के मैदान के अंदर 9 ज़िलहिज्जा को हर हाजी अरफात के मैदान में रहता है और उसको रहना उस दिन बेइंतहा ज़रूरी है। जो शख्स 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के मैदान में नहीं रहता है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी इलाके का रहने वाला हो, चाहे गांव का हो, चाहे देहात का हो, चाहे शहर का हो, चाहे कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी इलाके का वो रहने वाला हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि 9 तारीख को अरफात के मैदान में रहना उसके लिए ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं 365 दिन में से 355 दिन तो जो है मैं अरफात के मैदान में रहूँगा, सिर्फ एक दिन 9 ज़िलहिज्जा को मैं अरफात के मैदान में नहीं रहूंगा, तो फिर उसका हज मुकम्मल नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने 9 ज़िलहिज्जा के लिए मुतय्यन फरमा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल हज्जु यौमुल अरफा भी कहा जाता है। असल क्या चीज है? हज के अंदर अरफा है जो कि इंतहाई जरूरी है। अगर कोई पूरे साल अगर वहां पर रुका रहा और सिर्फ एक दिन अगर वहां पर नहीं रुका तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा, हालांकि उतने महीने वो वहां पर जिंदगी गुजारा है। तो मालूम क्या हुआ? इसी तरह आप आगे बढ़े, रमजानुल मुबारक के रोजे हैं और उसके बाद अरफे के बाद ज़िलहिज्जा का दिन है। कुर्बानी करने का हमारे ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब निसाब वाले के लिए वाजिब करार दिया और दीगर लोगों के लिए मुस्तहब वगैरह करार दिया, लेकिन वाजिब जिसके ऊपर होती है वो क्या किया गया? 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 तक उसे मौका दिया गया कि वो कुर्बानी करे। अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं मैं 8 ज़िलहिज्जा को करूंगा, अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं मैं 15 ज़िलहिज्जा को करूंगा, अगर कोई ये कहे कि मैं कुर्बानी 20 ज़िलहिज्जा को करूंगा, क्यों? इसलिए कि कुर्बानी अल्लाह के लिए की जाती है और कभी भी करना चाहिए। अगर कोई ये शख्स ऐसा कहेगा तो वो पागल होगा, वो दीवाना होगा, वो अहमक होगा। इसलिए कि हम क्या हैं? ताबे हैं शरीयत के। हम अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा, नहीं, हमें वो करना पड़ेगा जिसको अल्लाह ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें दे दे उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे मान लो और उसके ऊपर अमल आवरी कर लो। और जिससे रोका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने, उसे छोड़ दो, उससे इज्तनाब करो, उससे परहेज करो, उससे गुरेज करो। इसी का नाम तो ईमान है। चुनाचे दीन जब इत्तबा का नाम है, इसी हवाले से हम ये भी बात जहन में रखें कि अरफात का मैदान है वही। हमने अभी सुना कि 9 ज़िलहिज्जा को हमें अरफात के मैदान में रहना ज़रूरी है और वहाँ पर जो मस्जिद में नमाज अदा की जाती है तो ज़ोहर और असर एक साथ नमाज अदा की जाती है। और फिर उस मैदान में कब तक हमें रहना है? हुज्जाज किराम जानते हैं, ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो जानती हैं कि भाई मगरिब की नमाज जो है ना अरफात के मैदान में, अरफात में रहते हुए भी चाहे वक्त क्यों ना हो, हमें मगरिब की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई अक्लमंद ये कहे, अगर कोई खातून ये कहे, अगर कोई मर्द ये कहे नहीं मौका भी है और इसी तरीके से हम आसानी के साथ हम नमाज पढ़ सकते हैं, मगरिब की नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले हम पढ़ सकते हैं। अगर किसी शख्स ने ये सोचा, अगर किसी खातून ने अगर ऐसा समझा कि हम पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए शरीयत इजाज़त नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आपने फरमाया मगरिब का वक्त हो रहा है तब भी तुम नमाज मत पढ़ो, और मगरिब का वक्त चाहे निकल जाए तब भी नमाज मत पढ़ो, तुम्हें मुजरिफा जाना पड़ेगा और जाकर जो है मगरिब और ईशा तुम्हें एक साथ नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो मालूम यह हुआ कि हम ताबे हैं दीन के, हम ताबे हैं इस्लाम के, और हम ताबे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शरीयत के, कुरान और हदीस के हम ताबे हैं। इसी तरीके से और इसी को बात को हम और अच्छा समझे, वो इस तरीके से हम देखें कि शरीयत जहाँ पर यह कहती है कि करना है तो बस हमें कर लेना है, वहाँ पर अकली घोड़े नहीं दौड़ाए जा सकते। चुनाचे हम देखें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि खुफ़ैन पर मसा करने की है। इंसान क़ज़ाए हाजत होती है, हवा खारिज हो या इसी तरीके से दी वगैरह हो या इसी तरीके से क़ज़ाए हाजत छोटी हो या बड़ी हो, उससे हर इंसान जानता है खून वगैरह निकलने से इंसान का वजू टूट जाता है। लेकिन हम देखें कि होता क्या है, खून कहीं से निकल रहा है और धोने का हुक्म कहीं दिया जा रहा है। इसी तरीके से वो मसला भी हमें मालूम होगा खुफ़ैन का। खुफ़ैन के अंदर जब वजू बनाया जाता है, खुफ़ैन जब चमड़े के मौजे पहने जाते हैं तो उस वक्त सिर्फ मसा करना पड़ता है, पैर को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर हम गौर करें कि पैर से हम चलते हैं, तलवे हमारे गंदे होते हैं, लेकिन मसा का हुक्म नीचे साफ करने का नहीं है, मसा का हुक्म तो ऊपर करने का है। 3 उंगलियों को ऊपर से खींचा जाए, अपनी उंगलियों से लेकर जो है ना टखनों के तरफ ऊपर के हिस्से में हमें खींचने का हुक्म दिया। हालांकि अगर अकल देखा जाए, अरे भाई हम चलते तलवों के जरिए से है, तलवे हमारे खराब हो सकते थे, तलवों को धूल लग सकती, तलवों के अंदर कुछ गरद लग सकती है, लेकिन हमें मसा करने का हुक्म ऊपर दिया गया है। तो मालूम हुआ इन बातों के जरिए से कि इस्लाम नाम है इत्तिबा का, इस्लाम नाम है मान लेने का। तो बात कहाँ से निकली? बात यहाँ से निकली थी कि शमसी एतबार से कमरी एतबार का इस्लाम के अंदर बेइंतहा उसकी कदर कीमत है, उसकी अहमियत है। हम जितने भी अफ़ाल बड़े बड़े करेंगे वह तमाम का ताल्लुक इसी कमरी तारीख से होगा। और इसी तरह ये भी बात जहन में रखें, बच्चा बालिग होता है या लड़की बालिग होती है तो उसका हिसाब भी चांद के एतबार से नहीं होगा, उसका एतबार भी कमरी तारीख के एतबार से होगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे में हवा हो जिधर की चलो तुम उधर को, बस लोगों का देखा देखी, हर चीज के अंदर हमने गैरों की नक्काली कर ली, और इस वजह से आज हम देखते हैं बच्चा बालिग हो रहा है उसकी नमाजें कब से फर्ज हो रही है, या लड़की बालिग हो रही है उसकी नमाजें कब से फर्ज हो रही है। इसका ताल्लुक और इसका हिसाब भी हम शमसी तारीख के एतबार से करते हैं, हालांकि ये गैर दुरुस्त है, जायज़ नहीं है। और नमाजों का हिसाब जो लगाया जाएगा वो कमरी तारीख के एतबार से लगाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कि ये क्या है कमरी तारीख और चांद का निकलना, ये क्या है? ये औकात को बताने वाला है, ये मवाक़ीत को बताने वाला है, तुम्हारे नेक आमाल को बताने वाला है। इसी से हम आगे बढ़े और आगे देखें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं शव्वाल से लेकर शाबान तक रोज़ा रखूंगा, या कोई खातून ये कहे कि मैं शव्वाल से लेकर शाबान तक पूरे रोजे रखूंगी, सिर्फ रमज़ान के महीने में मैं रोजे नहीं रखूंगी, तो क्या ईमान से हम बताएं क्या उसके ऊपर से फर्ज जो रोजे थे वो साकित हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते। क्यों? इस एतबार से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ों का ताल्लुक भी चांद से है, रोज़ों का ताल्लुक भी चांद से है, कमरी एतबार से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो चांद देखो रोजा रखो और चांद देखो रोजा खत्म कर दो। नहीं, हम सोचे गुज़िश्ता साल अप्रैल में आया था लिहाजा अभी भी मैं अप्रैल के महीने में ही रखूंगी। अगर किसी ने यह सोचा नहीं दिसंबर में रोजे थे इस साल भी मैं दिसंबर में रखूंगी, नहीं चलेगा। इसलिए कि इस्लामी तारीख में यह है कि 9 से 10 या 11 दिन जो है ना साल में कम होते हैं। मिसाल के तौर पर 25 अप्रैल को अगर इस साल रोजे हम रखे थे तो आइंदा साल जो है 14 अप्रैल से हमारे रोजे शुरू होंगे। इसलिए कि चांद के दिनों के एतबार से 11 दिन तकरीबन कम हुआ करते हैं। अगर कोई शख्स ये हिमाकत नहीं कर सकता मैं 25 अप्रैल से इस साल रोजे रखी थी लिहाजा आइंदा साल भी 25 अप्रैल से रोजा रखूंगी, ये ना मर्द कह सकता है ना ये कोई औरत कह सकती है। क्यों? इसलिए कि इसका भी ताल्लुक जो है ना कमरी एतबार से है, कमरी तारीख के एतबार से है। जब चांद दिखेगा तो हमें हुक्म है कि रोजा रखो और जब चांद दिखे तो हमारे लिए हुक्म है कि इफ्तार कर लो। तो बहरहाल बात यहां से चली थी कि चांद जो है ना इसका बहुत बड़ा दखल है इस्लामी एतबार से, और इसलिए हमें चाहिए उलमाए किराम इन तमाम चीज़ों की रोशनी में यही फरमाते हैं कि चांद की तारीख याद रखना हमारे लिए फर्ज किफाया है, यानी हमारे लिए ज़रूरी है। फर्ज का तो दर्जा नहीं है, किसी ना किसी को उसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन आज हम ये जहन में रखें, हमारे बच्चे को अगर सरकारी तारीख पूछ दी जाए फौरन फट से बोल देगा, लेकिन चांद की तारीख पूछी जाए तो वो परेशान हो जाएगा। और कौन सा महीना है पूछा जाए नहीं बताएगा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम का ये पहला महीना, और आप ये भी बात जहन में रखें कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। मुहर्रमुल हराम का मतलब ये है कि ये हुर्मत वाला महीना है। ये हरगिज ना सोचे कि हराम के माने हराम ही के आते हैं, वो हराम अलग चीज है, ये हराम अलग चीज है। जैसा कि हम जायज के साथ नाजायज कहते हैं, हलाल के साथ हराम कहते हैं। हलाल वो चीज जो हमारे लिए जायज है, हराम वो चीज जो हमारे लिए जायज नहीं है। ये माना हम यहाँ पर नहीं ले सकते। अगर ऐसा लेंगे तो नाउजुबिल्ला हम क्या कहते हैं, खाने काबा को भी हम हराम कहते हैं, काबतुल्लाहिल हराम हम कहते हैं। नाउजुबिल्ला ऐसा हो जाएगा कि नापसंदीदा चीज है वो। हालांकि खाने काबा और वो वहाँ का इलाका, वहाँ का शहर हमारे लिए काबिल अजमत है। वहाँ पर एक नमाज पढ़ना 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर है, फजाइल हैं। यहाँ पर हुर्मत का मुराद इसी तरीके से मुहर्रमुल हराम के माने यहाँ पर हुर्मत के है। हुर्मत के माने अजमत का महीना ये करार दिया गया है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में हम देखें कि आज इस महीने की हमारे पास क्या कदर व कीमत है और हम इस महीने की हुर्मत किस अंदाज से हम करते हैं। हालांकि हमारे नज़दीक तो ये महीना हुर्मत का क्या होता, हमने शायद हराम के माने लेकर कोई अच्छा काम इस महीने के अंदर नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं है, ये हुर्मत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की भी वजाहत फरमाई कि 4 महीने ऐसे हैं जो अल्लाह के नज़दीक काबिल एहतराम हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अजमत वाले हैं, तौक़ीर वाले हैं, मकाम व मर्तबे वाले हैं। उन 4 महीनों में से ये मुहर्रम का महीना भी हुर्मत वाला है, फजीलत वाला है। और इस महीने के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक मकाम और एक मर्तबा है। ये हम इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तो सहाबा, कुफ्फार और मुशरिकीन भी इस महीने के अंदर कत्ल व गारतगिरी नहीं करते और कुफ्फार और मुशरिकीन भी इस महीने का अदब व एहतराम करते हैं। लेकिन गैरों की नक्काली आज हमारे मुआशरे में देखे कि इस महीने के अंदर शादी नहीं हो सकती, इस महीने के अंदर अच्छा काम नहीं हो सकता, इस महीने के अंदर कोई भी अच्छा प्रोग्राम नहीं कर सकते, इस महीने के अंदर कोई सफर नहीं कर सकता। बेजा ऐसे रसूमात। इस महीने के अंदर कोई नया कपड़ा नहीं पहन सकता। ये मातम का महीना है, ये गम का महीना है, इसमें शहादत हुई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन शहादत भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ये ख्वाहिश रही, और आप बारहा ये फरमाते, हदीस शरीफ मौजूद है, आपने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बल्कि तीन दफा आपने यूं फरमाया कि सुम्मा उख्तल सुम्मा अहया, सुम्मा उख्तल सुम्मा अहया, सुम्मा उख्तल सुम्मा अहया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहादत इतनी बड़ी नेमत है, उस नेमत का इजहार करते हुए आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला मुझे सौ जान दे देता, मुझे जिंदा किया जाता, फिर मैं राह खुदा के अंदर एलाए कलिमतुल्लाह के खातिर जंग करता और जिहाद करता, फिर मुझे शहीद कर दिया जाता, फिर मुझे जिंदा किया जाता, फिर मैं एलाए कलिमतुल्लाह के खातिर जिहाद करता, एलाए कलिमतुल्लाह के खातिर मैं अपनी जान को निछावर कर देता, मुझे शहीद कर दिया जाता, फिर मुझे जिंदा किया जाता। अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह ख्वाहिश है और सहाबा की यह ख्वाहिश थी, खुसूसन वो हजरत अबू उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो दुआ, जबकि जज़ीरतुल अरब पूरा दारुल इस्लाम बन चुका था, लेकिन फिर भी ख्वाहिश यही थी कि मुझे शहादत नसीब हो जाए। तो शहादत का मिलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारी नजरों में मातम का महीना बन गया, हालांकि यही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कई ऐसे काम रोनुमा हुए। इस महीने के अंदर कई काम, अच्छे काम रोनुमा हुए इस महीने के अंदर। जैसे हम देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो जूदी पहाड़ के ऊपर ठहरी, बातें मिलती है तारीख के अंदर कि यही 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह तबारक व तआला ने जूदी पहाड़ पर कश्ती को ठहरा किया। इसी तरीके से बाज़ रिवायतों के अंदर मिलता है, बाज़ रिवायतें तो हमारे नज़दीक मौजू और मनगढ़ंत हैं, लेकिन बाज़ रिवायतों से ये बात मिलती है और ये हदीस तो वाज़े है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो फ़िरऔन से नजात दी थी, इसी 10 मुहर्रम को नजात दी थी। हम अपने गिरेबानों में देखें और हम देखें और ये सोचें कि क्या शहादत का मिलना यह खुशी की बात नहीं है। हम ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फजाइल नहीं बयान किए, और हम ये देखें क्या किसी को किसी जालिम से छुटकारा मिलना, क्या यह खुशी की बात है या नहीं है? बेशक खुशी की बात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और आपके मानने वालों को तरह तरह से सताया जा रहा था, उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ छोड़े जा रहे थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जान के दुश्मन थे, और फ़िरऔन जो कि अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर चुका था, किसी भी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और आपके साथियों को मारने के लिए वो सरगर्म था और पीछे चलता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल रहे हैं, सामने देखा कि दरियाए नील है, पीछे फ़िरऔन ठहरा हुआ है, रुकते हैं तो जान जाती है, आगे बढ़ते हैं तो जान जाती है, क्योंकि सामने समंदर है और पीछे दुश्मन है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे मदद फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा हुक्म हुआ कि तुम दरियाए नील के अंदर जो है अपने असे को मारो, लिहाजा 12 रास्ते हो गए, हर कबीले वाला आसानी से उस दरियाए नील से पार हो गया। और फ़िरऔन जो कि ऐसा बदबख्त बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया है, और वो दरियाए नील के अंदर गर्क हो गया, और उसका ये गर्क होना भी 10 मुहर्रमुल हराम को है। तो हम इससे अंदाजा लगाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो नजात मिली, क्या ये खुशी की बात है या गम की बात है? बेशक खुशी की बात है। किसी को किसी जुल्म और सितम से उसको सुकून मिलना, और किसी जालिम बादशाह का इस दुनिया से रुखसत हो जाना और इस दारे फानी से कूच कर जाना, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन आज कहाँ से हमने सीखा कि भाई ये मातम का महीना, ये गम का महीना है। नहीं, मुहर्रमुल हराम की बेशुमार फजाइल है और बाज़ मौजू अहादीस भी हैं जिसको मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग कहने वालों ने यहाँ तक कह दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इसी मुहर्रम के महीने में हुई और खुसूसन 10 मुहर्रमुल हराम को हुई। इसी तरीके से ये भी बात तारीख के अंदर मिलती है। बहुत सारी रिवायतें मनगढ़ंत है, बहुत सारी रिवायतें जो कि सही है, जिसके अंदर से ये भी कहा जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से जो नमरूद ने आग में डाला था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जो डाला गया, डाला जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जल नहीं रहे थे बल्कि चल रहे थे। ये वाक़या भी 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आया। बहरहाल इन तमाम वाक़यात के ज़रिए से, इन तमाम बातों के ज़रिए से ये बात हमें जहन में रखना है कि ये महीना हुर्मत वाला है, ये महीना अज़मत वाला है और ये महीना ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे तारीख़ी काम हुए। हाँ, ये भी बात है कि इत्तेफाक से इस 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की शहादत भी हुई। लेकिन मैं अभी आपको ये बात बताई है सामने कि भाई शहादत जो है ना, ये भी एक नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश की। सहाबा का तो मामला ये था, जब आते आकर पूछते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जंग लड़ेंगे और जिहाद करेंगे, जिहाद करने के बाद हमें क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जमानत दूंगा, तुम्हें जन्नत नसीब हो जाएगी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन बेदरह मैदान के अंदर चले जाते और जिहाद करते, जख्म पर जख्म खाते और उनकी जबान पर यह होता फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। हालांकि जख्म लगने के बाद, तकलीफ होने के बाद इंसान को रंज होता है, गम होता है, लेकिन सहाबा कहते हैं कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, के रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। क्या चीज थी? अगर शहादत इतनी बुरी और मायूब थी, मनहूस थी, तो कि इस तरीके के नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जबान से ऐसे निकलते हैं अल्फाज नहीं निकलते। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ पर हैं, हम देखें जैसा कि कहा जाता है कि खातून का संभलना और औरत के अंदर दीन आ जाना, पूरे नस्ल के अंदर दीन आता है। इसलिए सबसे पहले हम दायिया पैदा करें कि शहादत बहुत ही उम्दा चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत है। शहीद के बारे में ये बात आती है कि खून का खतरा जमीन पे गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंसान, अब हम देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम नमाज अदा की और हम इबादत के अंदर रहते हैं, जिक्र व अज़कार हम करते हैं, इसी तरीके से वालिदैन की खिदमत करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तौफीक दे तो हम तहज्जुदें अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक देता है तो हम जो है ना तरावीह की नमाजें मुकम्मल करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक देता है, हम जिक्र व अज़कार और सदका खैरात के अंदर लगे हुए रहते हैं। ये तमाम के तमाम अमाल हम क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पर मस्जिद को आए हैं, पाबंदी से हम उलमा के बयान सुन रहे हैं, ये क्यों आए, हमारा आना क्यों है और हम क्यों मस्जिद में बैठे हुए हैं? इसी वजह से कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। हमारे लिए भी काम है, जैसे आपके लिए काम, हमारे लिए भी काम, और इसी तरीके से दीगर लोग भी हैं जो काम के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन फिर भी अपना कीमती वक्त फारिग फरमाकर हम यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और यहाँ पर आकर बैठते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के घर में हम हैं और कौन सी बात हमारी दिल में उतर जाए जिसकी वजह से हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारी नजात के लिए काफ़ी है। इस वजह से ही हमारा आना हुआ है, इसलिए नहीं आया नामो नमूद के लिए। हम आएंगे तो हमारी फ़ोटो अखबार में छपेगी, हम आएंगे तो हमें इतने डॉलर मिलेंगे या इतने रियाल हमें मिलेंगे, इतना पैसा मिलेगा, बैंक बैलेंस हमें मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर नहीं आए। दीन की बात सुनने के लिए आए हैं और उस पर ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए नजात का ज़ामिन होगा। तो इसी तरीके से मग़फ़िरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया खून का खतरा जमीन पे गिरने से पहले शहीद की मग़फ़िरत हो जाती है। तो ये भी क्या खुशी की बात है या गम की बात है? हाँ, खुशी ही की बात है। सहाबा के अंदर तो शौक था, हम हदीस के अंदर पढ़ते रहते हैं, सहाबा के अंदर तो शहादत का इतना शौक था कि एक सहाबी की कब्र मदीने मुनव्वरा के अंदर दफन की जा रही थी। एक सहाबी ने कह दिया इनकी मौत जो है ये बेहतर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन टोका और फरमाया तुम क्या कह रहे हो। वो सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कहने का मकसद ये है कि बिस्तर पर इनकी मौत आने से अच्छा होता ये मैदान कारसाज में हो, इनके ऊपर तीर और तलवार की बौछार होती, उसके बाद इंतकाल होता तो ये और बड़ी शहादत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मदीने मुनव्वरा में तदफीन होना ये भी बहुत फख्र की बात है। तो सहाबा का तो मामला ऐसा था कि शहादत की मौत, और हम क्या हैं इसको गम का महीना करार दे दिए। अरे भाई शोक मनाया जाता है। हदीस शरीफ के अंदर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आदमी को चाहिए कि 3 दिन से ज्यादा शोक ना मनाए और 3 दिन से ज्यादा गम ना मनाए। 3 दिन से ज्यादा नौहा वगैरह नौहा तो करने ही की इजाजत नहीं है। क्यों? अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने ले ली। और इसी तरह ये भी बात हम जहन में रखें कि क़ियामत जो आएगी वो भी इसी महीने में आएगी। बाज़ उलमाए किराम ने हदीस की रोशनी में बताया है कि वो भी 10 मुहर्रमुल हराम होगी और वो जुमा का दिन होगा। तो बहरहाल तमाम बातों का खुलासा ये है कि आज हम दाइया पैदा करें। आज हम ये यहाँ पर आए हैं ये अज़्म मुसम्मम करें, हर एक ये दिल के ऊपर अपने हाथ रखकर ये सोचे अब तक हमारी जिंदगी कैसी हो रही थी, अब हम इस महीने की कदर हमारे नजदीक क्या थी, इस महीने को हम क्या समझ रहे थे, इस महीने के अंदर क्या खुराफात, क्या बिदात, क्या रसूमात और क्या गलत अकायद हमारे इस महीने के मुताल्लिक और आने वाले सफर के महीने में पाए जाते हैं, क्या वो हमारे लिए दुरुस्त है या गैर दुरुस्त है। क्यों? इसलिए कि ये महीना हुर्मत वाला महीना, ये महीना मोहतरम महीना, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे रहे हैं। बहुत सारे अशखास ऐसे हैं कि जो इस महीने के अंदर भी निकाह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके दिलों में दीन बैठ रहा है और दिलों में दीन रासिख हो रहा है, इस्लाम उनके दिलों में बैठ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी हो रही है। पहले चंद सालों में मुहर्रम के अंदर जो है ना कम शादी होते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कसरत हो रही है। ऐसी भी शादी है, ऐसे भी 1-2 साल पहले सुनने में आया कि 10 मुहर्रमुल हराम को भी एक शादी थी, एक तकरीब थी। बड़ी खुशी की बात है। क्या हम ये भी सोचे? अरे भाई हम हर चीज को मनफी अंदाज में क्यों सोचते हैं, कभी मुस्बत अंदाज में भी हमें सोचना चाहिए। कभी भी हम गलत बात क्यों सोचते हैं, कभी अच्छी बात भी हमें सोचना चाहिए। किसी के बारे में हमें हुस्न ज़न रखना भी चाहिए कि हुस्न ज़न किसी के बारे में ना रखें, यह भी गलत बात है। हर चीज जो है ना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, कभी पॉजिटिव भी हमें सोचना पड़ेगा। वो क्या है, किस तरह से है, वो इस तरह से देखे। अगर मुहर्रम के महीने में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या है, हम वो बच्चे को मनहूस समझेंगे? नहीं, बाज़ाब्ता मिठाई तकसीम होगी, बाज़ाब्ता जो है ना कोई मिठाई लाया जाएगा और लाते हैं और ये कहते हैं कि भाई मुबारक तुम्हारे घर में 1 लख्ते जिगर नूर नजर आया है। क्या इस वक्त हम ये कहते हैं? या इसी तरीके से ये भी बात हम सोचें, अगर किसी की मुहर्रम के महीने के अंदर सैलरी अगर बढ़ जाती है, तनख्वाह किसी की अगर बढ़ जाती है, अगर किसी का ओहदा अगर कोई किसी को बढ़ जाता है तो क्या हम ये सोच कर छोड़ देते हैं नहीं भाई मुहर्रम के महीने के अंदर जो है ना हमारी तनख्वाह बढ़ी, सैलरी बड़ी, लिहाजा ये मुहर्रम का महीना जो है मनहूस महीना है, ये गम का महीना है, लिहाजा नहीं भाई मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। कौन अक्लमंद शख्स है वहां पर ये कहता है? नहीं, यही कहेगा नहीं भाई अल्लाह तबारक व तआला का फजल है मेरी तनख्वाह बढ़ी है, अल्लाह का फजल है मेरे घर में एक औलाद आई है, अल्लाह तबारक व तआला का फजल है मैं नाना बन चुका हूँ, अल्लाह का फजल है मैं दादा बन चुका, मैं नानी बन चुकी, मैं दादी बन चुकी, मैं माँ बन चुकी। इस तरीके की खुशखबरियां और मुबारकबाद इस महीने में दी जाती है। तो मालूम यह हुआ कि कोई महीने के अंदर नहूसत नहीं पाई जाती, कोई महीना भी गम का नहीं है, बल्कि तमाम महीने अल्लाह तबारक व तआला के है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि लोग मुझे गालियां देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने खिताब किया और फरमाया, हदीस कुदसी है, आपने फरमाया कि लोग अल्लाह को गालियां देते हैं। सहाबा ने जब सुना तो फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे अल्लाह तबारक व तआला को लोग गालियां देते हैं? हालांकि हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह को कैसे गालियां देते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो इस तरह से कि लोग जमाने को गालियां देते हैं और जमाने को पैदा करने वाला मैं हूं। गोया के किसी भी महीने को मनहूस समझना, किसी भी जमाने को गलत समझना, किसी भी महीने के अंदर काम के ना होना का ये तसव्वुर हमारे जहन में आना, या इसी तरीके से माह सफ़र जो आने वाला महीना है उसके अंदर तेरा तेज़ी का मामला और उसके अंदर खुशी का मामला, शादी ब्याह का मामला, ये तमाम चीज़ों के एतबार से अगर हमने ये समझा कि मनहूस है, नहूसत वाले है, सफ़र का महीना सफ़र नहीं बल्कि सिफर का महीना, इसमें जो भी काम किया जाता है वो सिफर का होता है, अगर हमने ऐसा तसव्वुर किया तो फिर ये वही होगा कि हमने अल्लाह को गाली दी। हालांकि अल्लाह के बारे में है, वल्लाहु जमाल वल्लाहु युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत है, अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन है, वो अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन चीज को पसंद फरमाता है। जो अच्छा हो वो बुराई कैसे ला सकता है? इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग जमाने को गालियां देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लोग जमाने को गालियां देते हैं, हालांकि जमाने को पैदा करने वाला मैं हूं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ही सही अल्लाह को गालियां दे रहे हैं। इस तरह से बस तमाम बातों का खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये माह मुहर्रम अता फरमाया है। अभी तक जो हमसे खुराफात हो चुके, जो बिदआत हो चुके, ऐसे रसूमात हमारे अंदर हैं जो कि हमने किए हैं, हमें तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह ही नहीं किया। कहा जाता है कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, इन भीगे परों से परवास करके देख। ये बात हमारे सामने आती है कि भाई जब आदमी जागे जभी सवेरा होता है। इसलिए जो जो रसूमात थे, बिदआत थे, खुराफात थे, उससे हमें तौबा करना चाहिए। हम उलमाए किराम से जो है ना मशवरे लेते रहे। ये बात कैसी बात है कि हर चीज का हमारे पास नुशीर है, हर एक के चीज के बारे में हम मशवरा लेते हैं। डॉक्टर हमारा फैमिली है, इस फैमिली डॉक्टर होता है, इंजीनियर भी होता है और इसी तरीके से वकील भी होता है। लेकिन क्या बात है कि हम दीन के बारे में किसी आलिम से रब पैदा नहीं करते, किसी आलिमा से हम रब पैदा नहीं करते। हमें चाहिए दीगर उमूर में हम जैसे मशवरा लेते हैं इसी तरह दीनी मामले में भी हमें मशवरा लेना पड़ेगा। इसलिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हलाल करार दी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हराम करार दी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मुतशाबिहात हैं जो कि हराम और हलाल के दरमियान में हैं। हमें ये इल्म उलमा ही से मालूम होगा, हमें मसाइल उलमाए किराम ही से मालूम होंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उनसे रब पैदा करें और उनसे हम मसाइल को पूछें, उसके बाद अमल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमने गलत अमल कर लिया जिसकी वजह से नस्लों तक वो गलत मसला चलते रहा और सब के सब गुनाहगार होते रहे। इसलिए कि हदीस में आता है, अगर कोई शख्स अच्छा काम करे, जैसे किसी ने दरख्त लगा दिया और दरख्त लगाने के बाद वो इस दुनिया से चला भी जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक वो दरख्त रहेगा उस वक्त तक जो है ना साया जब तक लोग लेते रहेंगे उस शख्स को जो है फायदा होता रहेगा। सवाब के जरिए से, नेकियों के जरिए से। अगर किसी ने एक कुआं खोद दिया किसी मस्जिद के लिए, किसी मदरसे के लिए, या किसी ऐसी जगह पे जहां पर लोगों के लिए दुश्वारी हो रही हो, जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, उससे हम वजू करते रहेंगे, उसका पानी पीते रहेंगे, उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, वो बंदा रहे या ना रहे, वो बंदी रहे या ना रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाते रहेगा। जब तक वो कुआं वहां पर रहेगा। इसी तरीके से अगर कोई गलत काम अगर शुरू किया, अगर चाहे कोई भी छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, लेकिन उसके ऊपर जितने लोग चलते रहेंगे उसका वबाल भी होगा। चुनाचे हाबिल वो काबिल का वाकया हमने बारहा सुना है कि काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था। उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये वाकया ऐसा है कि दुनिया में जितने भी मर्डर होंगे, जितने भी खून होंगे, जितने भी कत्ल होंगे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक जितने भी खून होंगे उसका वबाल उस काबिल को भी दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने एक गलत रास्ता इख्तियार किया, लोग उसके रास्ते पर चलते रहे और लोगों को नाहक कत्ल करते रहे। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है सोचें, ये जो है ना दीन का मसला ऐसा नहीं है कि बस जो दिल में आ गया कर दिया गया, जो हमारे जहन में आ गया वो कर दिया गया। इसलिए कि दौरान बात हम ये बात हमारे सामने आई, दीन नाम है इत्तिबा का, दीन नाम है सुनने का, और दीन नाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के हमें पाबंद होने का। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालियो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हर मराहिल के ऊपर, हर खुशी के मौके पर भी, हर गम के मौके पर भी तुम्हें इस्लाम के और शरीयत के पाबंद होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मिआद। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना लदीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सुब्हान